नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। यूपी विधानसभा में सीएम योगी बोले, मुझे श्लोक आते हैं शायरी नहीं, लेकिन आज कुछ बोलना चाहूंगा। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का समापन हो गया है। विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। शनिवार को सत्र के आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर तमाम मुद्दों पर विपक्ष को जवाब दिया। संबोधन के आखिर में सीएम योगी ने शायरी पढ़ी। इसमें उन्होंने इशारे उशारों में विपक्षी दलों को जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे श्लोक आते हैं शायरी नहीं आती, लेकिन आज कुछ बोलना चाहूंगा। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। इससे पहले सीएम योगी ने यूपी में चल रही ब्राह्मण सियासत पर विपक्ष को जवाब दिया। यूपी में ब्राह्मण सियासत पर पहली बार बोले सीएम योगी, राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। शनिवार को कई अहम विधेयक पास करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ब्राह्मण सियासत पर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पुराना किस्सा का जिक्र किया, साथ ही कहा कि राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि फिर से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। पति के बेइंतहा प्यार से परेशान पत्नी ने मांगा तलाक, कहा वो झगड़ते ही नहीं। किसी भी पति पत्नी के बीच तलाक का सबसे बड़ा कारण होता है दोनों के बीच हर दिन होने वाला झगड़ा या मनमुटाव। रोजाना की लड़ाई से तंग आकर अक्सर पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, कोई महिला ये कहे कि मुझे अपने पति से तलाक इसलिए चाहिए क्योंकि वो मुझसे लड़ता ही नहीं, मुझसे इतना प्यार करता है कि घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना जैसे काम भी वो खुद ही कर लेता है, तो फिर आप क्या कहेंगे। मामला थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा ही देखने को मिला है। शादी के 18 महीने बाद एक पत्नी ने सरिया कोर्ट में तलाक के लिए गुहार लगाई है। सरिया अदालत में पत्नी ने कहा कि पति के प्यार और दयालु व्यवहार से वह परेशान हो चुकी है, इसलिए वह उससे अलग होना चाहती है। अमेठी में यूरिया की कालाबाजारी पर शुरू हुई छापेमारी, 12 दुकानें निलंबित, एक पर FIR। उत्तर प्रदेश के अमेठी में यूरिया की कालाबाजारी और बढ़ते दामों पर जिला प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर कृषि विभाग के अधिकारी और हर तहसील के उपजिलाधिकारी व तहसीलदार द्वारा क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केंद्रों पर ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अमेठी की अब तक 60 उर्वरक बिक्री केंद्रों पर छापेमारी की गई है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर 12 दुकानें निलंबित और एक के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। यूपी में उफान पर गंगा। उन्नाव में 100 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का संकट, कई जगह घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी उफान पर है। उन्नाव में पिछले 24 घंटे में 1 मीटर से अधिक जलस्तर बढ़ा है। गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पर पहुंचते से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है, जिससे जनपद के 100 से अधिक गांव बाढ़ के मुहाने पे खड़े हैं और लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। वहीं गंगाघाट नगरपालिका परिषद के रिहायशी इलाकों में पानी भरने के साथ ही लोगों का घरों से पलायन शुरू हो गया है। पेटीएम पर 1 सेकंड में चेक करें अपना सिविल स्कोर। पेटीएम अब ऐप पर ही आपका सिविल स्कोर चेक करने की सुविधा दे रहा है। यूजर्स अपनी डिटेल क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और फ्री में एक्टिव क्रेडिट कार्ड और लोन अकाउंट की जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा यूजर शहर, राज्य और राष्ट्र स्तर पर दूसरों के साथ क्रेडिट रेटिंग की भी तुलना कर सकते हैं। सिविल या क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, साथ ही आप अपने लोन अप्रूव होने के मौके को बढ़ाता है और इससे आपकी लोन एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का दावा है कि यह पूरा प्रोसेस 1 मिनट के अंदर 3 स्टेप में पूरा किया जा सकता है। अगर आप नए यूजर हैं तो आपको आपके प्रोफाइल के वेरिफिकेशन के लिए OTP मिलेगा। आप बिना अतिरिक्त किसी चार्ज के अपना क्रेडिट स्कोर जान सकते हैं। G5 हिप्पी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च, टिकटॉक की कमी को करेगा पूरा। G5 हिप्पी का शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि उन ऐप की लिस्ट में शामिल हो गया है जो टिकटॉक जैसी सुविधा प्रदान करता है। इसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। बता दें, भारत में जून में 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया था, जिसमें सबसे पॉपुलर ऐप टिकटॉक था।
हिप्पी का अनुभव बिल्कुल शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की तरह होने वाला है। इसमें वर्टिकल स्क्रॉलिंग के 100 से भी ज्यादा वीडियो देखने की उपलब्ध होंगे, जिन्हें आप लाइक व सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर साझा भी कर सकते हैं। आपको बता दें, G5 हिप्पी का इस्तेमाल केवल 18 साल या उससे ऊपर के यूजर ही कर सकते हैं। हालांकि यह प्लेटफॉर्म केवल वेरिफिकेशन के लिए क्रिएटर से उसकी जन्मतिथि पूछेगा। फिलहाल साफ नहीं है कि यह नियम किस तरह लागू किया जाएगा। Jio5 खरीदने पर मिलेगा 5 महीने का डेटा फ्री। Jio5 की सबसे सस्ते प्लान की बात करें तो सबसे सस्ता प्लान ₹199 का है। इस प्लान में आपको प्रतिदिन 1.5 GB डाटा 28 दिन की वैधता के साथ मिलता है। वहीं इसका सबसे महंगा प्लान ₹349 का है, जिसमें आपको प्रतिदिन 3 GB डाटा 28 दिन की वैधता के साथ मिलेगा। रिलायंस जियो ने अपना नया ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में Jio5 4G वायरलेस हॉटस्पॉट खरीद पर 5 महीने फ्री डेटा और फ्री Jio2Jio कॉल की सुविधा प्रदान करेगा। Jio5 की कीमत की बात करें तो ₹1,999 है। हालांकि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहक को पहले Jio5 में मौजूद प्लान्स में से एक को एक्टिव कराना पड़ेगा। रिलायंस डिजिटल स्टोर के जरिए आप Jio5 हॉटस्पॉट खरीद सकते हैं। Jio5 खरीद के बाद आपको JioSIM एक्टिवेट करानी होगी, जिसके लिए आपको मौजूदा 3 Jio5 प्लान में से एक को चुनना होगा। पवन सिंह के साथ मोनालिसा ने लगाए जबरदस्त देसी ठुमके। धमाल मचा रहा है ये भोजपुरी गाना। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की बढ़ती फैन फॉलोइंग के कारण ही आए दिन उनका कोई न कोई भोजपुरी गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता नजर आ जाता है। वहीं हाल ही में उनका भोजपुरी गाना वायरल हो रहा है, जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की तगड़ी फैन फॉलोइंग भी शामिल है। इस धमाकेदार भोजपुरी गाने में पवन सिंह और मोनालिसा का जबरदस्त डांस और रोमांस देखने को मिल रहा है। वीडियो में मोनालिसा पवन सिंह की केमिस्ट्री कमाल कर रही है। वहीं इन दोनों का ये बोल्ड भोजपुरी गाना YouTube पर खूब देखा जा रहा है। ये गाना भोजपुरी फिल्म जिद्दी आशिक का है। और अब एक नजर उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर डाल लेते हैं। लखनऊ के आसपास और तराई के जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक लखनऊ के आसपास और तराई क्षेत्रों के जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में बौछारों की उम्मीद जताई है वो जिले हैं अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, ललितपुर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर। हालांकि अनुमान के मुताबिक इन जिलों में भी बहुत तेज बारिश की संभावना नहीं है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।